देश को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारे लोकल के लिए वोकल से प्रेरित होकर युवा अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राजगढ़ में इस नारे को सार्थकता देने के लिए दो दोस्तों ने आगे बढ़ने की ठानी और नर्सरी विकसित करने का निर्णय लिया। आज राजगढ़ में इन दोस्तों की नर्सरी में पौधों की देशी विदेशी प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनसे न सिर्फ लोग अपने घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं बल्कि खुद को प्रकृति के करीब भी पा रहे हैं। इस नर्सरी में उपलब्ध पौधों की प्रजातियां गांव से न सिर्फ राजगढ़ के बाजार बल्कि शहर की सीमा से लगे अन्य शहरों में भी पहुंच रहे हैं। इससे होने वाली आमदनी से ये दोस्त नर्सरी को और विकसित करने के साथ अन्य लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। बरसात के मौसम के लिए पिस्टोनिया, एरिका पाम, विद्या, गोल्डन विद्या, गुलाब, चमेली, मोगरा, समी, अनार, आम और भी कई तरह के पौधे नर्सरी में उपलब्ध हैं। ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजना चल रही है आत्मनिर्भर भारत, उसमें हमने ये पौधे उगाए और क्या बोले पहले घर पे उगाए और मार्केट में लाए, जिसके बाद जो भी और मांग बढ़ी मार्केट में तो जो पौधे हमारे पास नहीं थे वो हमने बाहर नर्सरी से मंगवाए, वो हमारी नर्सरी में रखे हैं और उनका सेल कर रहे हैं। हमने टीम देखा था कि प्रधानमंत्री का सपना था आत्मनिर्भर बनने का, इसलिए हमने सोचा कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो सके, इसलिए हमने नर्सरी खोलने के लिए नर्सरी खोली है यहाँ पे। दोनों दोस्त बताते हैं कि ये उनका आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। अब आमदनी के साथ उनकी पढ़ाई भी जारी है। निश्चित ही ये दोनों छात्र कोरोना संकट काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। राजगढ़ से योगेश शर्मा के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।